तो कुछ एक ऐसी सीरीज हो जाती है जिनके लिए फैंस जो है दिल से वेट करते हैं, लेकिन आज हम उनसे एक सीरीज की बारे में बात करने वाले हैं जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है दी फ्रीलांस। अब इसका कुछ टाइम पहले 4 एपिसोड यानी वॉल्यूम 1 रिलीज किया था, अब वॉल्यूम 2 जो है वो आ चुका है, क्योंकि नीरज पांडे के डायरेक्शन में ये बनने वाली सीरीज है। लोग तो भैया दिल से पसंद करेंगे करेंगे, क्योंकि नीरज पांडे आप लोगों को पता है क्या काम करते हैं, क्या सीरीज हो मूवी तो जो भी हो बाप लेवल काम करते हैं, और ऊपर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आती हो जो बाप लेवल है वो सीरीज बन जाती है। लेकिन अगर बात करूं कहानी आप लोगों को, पहले आप लोग वॉल्यूम में देखने लेती एक्स को अविनाश के दोस्त की बेटी जो है वो सीरिया में फंस जाती है, जहां पे उसके ऊपर मिशन था। आप लोगों को सेम कहानी चलते हुए नजर आएगी, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई थी। और भैया जी आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से जिस लेवल पर ये सीरीज लेकर जा चुके हैं और जिस स्केल पर ये सीरीज शूट की गई है, एब्सोल्युटली मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत बड़े लेवल की काफी जगहों पर फील हो जाएगा कि ये भैया की हॉलीवुड की सीरीज तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि एक्शन काफी जगहों पर इतना परफेक्ट शूट किया गया, डायलॉग इतने बढ़िया हैं, और जो सीजन और जो आप लोग एपिसोड देखने को मिलते हैं, आप लोग को एपिसोड ये सीरीज जो कनेक्ट करती है ना साला, इसमें इस सबसे ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है कि आप लोग एपिसोड ये सीरीज कनेक्ट होते जाते हो, और आप लोग ऐसा रिमाइंडर करवाते हैं कि आप लोग अगर 4 एपिसोड आप लोग 5 एपिसोड पहले देख लिए तो फिर भी आप लोग भूल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ आप लोग ऐसा कुछ कनेक्टिविटी ऐसा कुछ कनेक्शन देखने को मिलता है जो देखने में बहुत ही फैंटास्टिक बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे ये सीरीज में जो उम्मीदें थी मेरी उम्मीदों पर वो खरी उतरी है, और मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये एक बहुत बढ़िया सीरीज है, जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार आप लोगों को एक बढ़िया माल देखने को मिल रहा है, जो अच्छा खासा आप लोगों को टाइम बाद अच्छी खासी आप लोगों की स्टोरी अच्छी खासी आप लोगों को एक स्पाई थ्रिलर देखने को मिलेगा, जिसमें मजा आएगा और बहुत आप लोग एंजॉय करोगे, जाकर जरूर इसको जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख लेना, क्योंकि नीरज पांडे का माल है। तो भैया जी आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इस तरह मत करो कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ऐसा नहीं है। जाकर जरूर देख लेना, मुझे फैंटास्टिक लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया लगी, तो जाकर जरूर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, मुझे आउटस्टैंडिंग लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ कहना आप लोग बताओ मुझे, आप लोग कैसी लगी, आप लोग अच्छी लगी बुरी लगी, आप लोगों ने फर्स्ट वॉल्यूम देखा है, सेकंड देखोगे देखोगे नहीं देखोगे मुझे बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब मेरे बेल को दबा दीजिए, सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी।